नमस्कार, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि सरकारी स्कूल के बच्चों को ज्ञानशाला पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना क्यों आवश्यक है, इस पोर्टल पे वो क्या क्या जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं और लॉगिन करने के बाद यहां पे क्या क्या लाभ उठा सकते हैं, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में देखेंगे। छात्रों को ज्ञानशाला पोर्टल में पंजीकरण करने की आवश्यकता क्यों है? तो लॉगिन करने के बाद उनको तीन ऑप्शन मिलेंगे, फॉर स्टूडेंट, रिसोर्स मटेरियल एंड अदर लिंक्स। इस तरह के तीन बटन उनको अवेलेबल रहेंगे। फॉर स्टूडेंट वाले सेक्शन में चेंज पासवर्ड की सुविधा मिलेगी, जहां पे वो अपना अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, व्यू प्रोफाइल और वो सारी जानकारियां देख सकते हैं जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन के टाइम एंटर की थी। इसी में एक और सेक्शन रहेगा वीडियो लेसन का। तो सबसे पहले मैं इस सेक्शन के बारे में आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ। ये मैंने ज्ञानशाला पोर्टल पे लॉगिन करके रखा हुआ है एक स्टूडेंट का। ये तीन सेक्शन आ रहे हैं आपको। फॉर स्टूडेंट वाले सेक्शन में आपको टॉप पे इंस्ट्रक्शन वाला सेक्शन है और उसके बाद क्या है, चेंज पासवर्ड, प्रोफाइल और वीडियो लेसन, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा। तो चेंज पासवर्ड में क्या होगा, आपको ऑप्शन आ जाएगा, आप करंट पासवर्ड डालेंगे, न्यू पासवर्ड डालेंगे और न्यू पासवर्ड कंफर्म करेंगे तो आप नया पासवर्ड सेट कर सकते हैं। प्रोफाइल सेक्शन में क्या होगा, आपको अपनी प्रोफाइल डिस्प्ले हो जाएगी, आपका नाम, जेंडर, फादर नेम, मोबाइल, ईमेल एक्सेट्रा। वीडियो लेसन में क्या होगा, जो भी पोर्टल के ऊपर वीडियोज़ अवेलेबल हैं वो आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। आप इन वीडियोज़ को डिफरेंट फिल्टर लगाकर सॉर्ट आउट कर सकते हैं, जैसे टॉपिक वाइज सर्च कर सकते हैं वीडियोज़ को, क्लास वाइज सर्च कर सकते हैं, लैंग्वेज वाइज सर्च कर सकते हैं, इंस्ट्रक्टर वाइज सर्च कर सकते हैं। तो काफ़ी फिल्टर रहेंगे आपके पास वीडियोज़ को सर्च करने के लिए। तो ये था फॉर स्टूडेंट वाला सेक्शन। रिसोर्स मटेरियल वाले सेक्शन में हमारे पास कौन से ऑप्शन होंगे, स्टूडेंट यूज़र मैनुअल। यूज़र मैनुअल बेसिकली आपको हेल्प करता है सिस्टम के बारे में समझने में। व्यू रिसोर्स मटेरियल, डाउनलोड ई बुक्स, डाउनलोड क्वेश्चन पेपर, डाउनलोड सिलेबस, क्विज रिजल्ट, ये सारे ऑप्शन रहेंगे आपको रिसोर्स मटेरियल वाले सेक्शन में। तो देख लेते हैं हम, ये लॉगिन करने के बाद हमें बटन दिखाई दे रहा है रिसोर्स मटेरियल का, आपको इस पे क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक करते ही आपको इसके सब मेनूज ओपन हो जाएंगे। इन मेनूज पे क्लिक करके आप बारी बारी से अलग अलग ऑप्शन को एक्सेस कर सकते हैं। तो हम देखेंगे स्टूडेंट यूज़र मैनुअल में क्या है, अभी तक कुछ नहीं है इस सेक्शन में। व्यू रिसोर्स मटेरियल में क्या है, यहाँ पे आप रिसोर्सेज जो भी स्टडी से रिलेटेड हैं वो आपको अवेलेबल रहेंगे। आप उनको नेम वाइज भी सर्च कर सकते हैं या फिर आप सब्जेक्ट वाइज सर्च कर सकते हैं और क्लास वाइज भी सर्च कर सकते हैं। ये ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपको सर्च बटन पे क्लिक करना होगा, फिर उससे रिलेटेड रिसोर्सेज आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। उसके बाद आता है डाउनलोड ई बुक का सेक्शन। डाउनलोड ई बुक्स में आपको अपने स्टडी से रिलेटेड जो भी ई बुक्स होंगी वो अवेलेबल होंगी, आप उनको सब्जेक्ट वाइज भी सर्च कर सकते हैं और क्लास वाइज भी सर्च कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपको सर्च बटन पे क्लिक करना होगा और नीचे आपको बुक्स डिस्प्ले हो जाएंगी। उसके बाद है डाउनलोड क्वेश्चन पेपर का ऑप्शन। इस वाले सेक्शन में आपको डिफरेंट सब्जेक्ट के क्लास वाइज क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, आप क्लास और सब्जेक्ट को सेलेक्ट करके क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद है डाउनलोड सिलेबस का ऑप्शन। यहाँ पे आपको डिफरेंट सब्जेक्ट का क्लासेस का सिलेबस मिल जाएगा, आप इस सेक्शन में क्लास और सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद है क्विज रिजल्ट का बटन। जो भी आपके ऑनलाइन क्विज होंगे उनका रिजल्ट आपको इस सेक्शन में डिस्प्ले हो जाएगा, क्या स्टेटस है उस क्विज का आपका, तो इस सेक्शन में आपको वो वाली चीज़ डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये था हमारा रिसोर्स मटेरियल वाला सेक्शन। अब हमारा जो तीसरा सेक्शन आता है वो है अदर लिंक वाला बटन जो हमारे को आ रहा है। उसमें हमारे पास दो बटन होंगे, ऑनलाइन एग्ज़ाम का बटन और रिपोर्ट का बटन। ऑनलाइन एग्ज़ाम का बटन आपका बना हुआ है अगर आपने ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है तो, और रिपोर्ट वाले सेक्शन में होगा आपके स्टूडेंट की रिपोर्ट ग्राफिकल और टेक्सुअल फॉर्मेट में। अब हम देखेंगे यहाँ पे अदर लिंक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ रहा है ऑनलाइन एग्ज़ाम का बटन। इस पे क्लिक करते ही आपको नेविगेट कर दिया जाएगा एक परीक्षा वाले सेक्शन में, जहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम से रिलेटेड डालना होगा और आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका रिपोर्ट वाला सेक्शन, इसमें आपको रिपोर्ट्स दिख जाएगी। तो ये सारा था आपका ज्ञानशाला स्टूडेंट पोर्टल से रिलेटेड। आई होप
कि आपको ये सब कुछ समझ आ गया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा और इस टॉपिक से रिलेटेड अन्य जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना होगा। जिन बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो ऊपर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर क्लिक करें और अब पूरा करें। जय हिंद, जय भारत।